वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं दिख नहीं रही हूँ, थोड़ी देर में दिखूंगी। तो हम जा रहे हैं शादी में, मैं मम्मी प्रशांत, बहुत दूर जा रहे हैं और बहुत लेट निकले हैं, लेकिन हमें जाना जरूरी है तो लोकेशन लगा रखी है, वहाँ जाके आपसे बात करते हैं। सो गाइज, हम पहुँच गए हैं शादी में और बारात हमसे आगे और हम बारात के पीछे हो रही है हमारे पिताजी। अभी जा रहे हैं, सीट बेल्ट लगा लूं पहले मैं। तो जी हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं कैंटीन और हम जा रहे हैं, क्या हो गया इनको, हम जा रहे हैं कैंटीन और भाई के लिए कपड़े देखने और मेरी ड्रेस फाइनल करनी, क्योंकि भाई की शादी में बहुत 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 कम टाइम रह गया है। इसने, भैया जी ने अपने कपड़े फाइनल कर लिए हैं, मम्मी का कभी फाइनल होता ही नहीं है। मम्मी का लास्ट टाइम तक ये रहता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो देखेंगे मम्मी का बाद में फाइनल करेंगे और मैं अपना फाइनल करने जा रही हूँ। सो खाना वाना खा के निकल चुके थे, पति देव आगे जा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं हमें कैसे कैसे जाना है और हम पीछे, फिर वो हमें कैंटीन से सामान दिला के चले जाएंगे और हम फिर जाएंगे मार्केट, मेरठ में सदर मार्केट। फिर मैं आपको वहाँ पे अगर परमिशन हुई, वैसे अलाउ नहीं करते वो वाले, पहले मैं जा चुकी हूँ वहाँ पे, अगर परमिशन हुई तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। आज मैं बड़े धीरे धीरे से ब्लॉग बना रही हूँ, है ना प्रशांत? और प्रशांत भी अपना एक नया चैनल बनाने वाला है, जब बन जाएगा उस पर 2-4 वीडियो डल जाएगी तब मैं आपको जरूर बताऊंगी। मेरे भाई को भी थोड़ा बहुत फॉलो कर लेना गाइज, ठीक है? नो कह रहा गाइज, देख लो बेइज्जती करा रहा है। अपनी रिश्तेदारी में जो भी है, वही अपनी रिश्तेदारी में अपने दोस्तों को कहीं भी लिंक शेयर कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट करा दो, नहीं तो इसके जैसे बेइज्जती मार देंगे मेरी, कि बहुत सारे फॉलो कर रखे हैं, लेकिन इतने भी फॉलोवर्स हैं जितने भी हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स नहीं सॉरी सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुश है कि जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। नेगेटिव लोग भी है कुछ, तो बस लोग को देखे, मतलब लोग इसलिए देखते हैं कि मैं कर क्या रही हूँ, और वो मेरे जानने वाले हैं और फिर पीछे से बात बनाते हैं, तो जो भी बात बनाते हैं उनको पता होना चाहिए। दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में से मैं उनको 10 मिनट या 8 मिनट का व्लॉग दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ, वो सारी चीजें नहीं दिखाती। फिर भी वे उल्टा सीधा ही सोचते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही घटिया है, वो आदमी ही घटिया है, वो इंसान ही घटिया है। सो गाइज, और हाँ, जो लोग ये सोचते हूँ कि मैं वीडियोज बनाती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ वीडियोज ऐसे ही नहीं बनती। वीडियोज पहले जैसे मैं अभी गाड़ी में बैठ के गाने भी सुन सकती थी, लेकिन वीडियो शूट कर रही हूँ और इसके बाद इसको एडिट भी करना होता है और उसके बाद इसको अपलोड करना होता है, उसमें नेट भी लगता है और एडिट करने में टाइम भी लगता है, सोचना भी पड़ता है कि आप कुछ नेगेटिव लोगों को ये चीज़ें दिखानी चाहिए नहीं, वैसे उनको पॉजिटिव दिखाओ या नेगेटिव दिखाओ, वो उनके दिमाग, उनकी मेंटेलिटी नेगेटिव चीज़ों पर जाती है तो वो नेगेटिव ही सोचेंगे हमेशा, तो मैं उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। मैं इंजॉय करती हूँ अपने ब्लॉग्स को, मतलब मैं खुद ही बना के खुद ही देखती रहती हूँ बहुत बार, तो बहुत बार मतलब एक साल से मैं ब्लॉग बना रही हूँ लेकिन कंटिन्यू नहीं बना पाती हूँ, थक गई मैं। तो आगे तो मुझे पता चलता रहे, सीधे सीधे जाना है। सो गाइस, अभी वहां पहुंचती हूँ, ये तो मैं, मेरी बात खत्म ही नहीं होगी नेगेटिव लोगों के लिए, और ये कोई और भी नहीं है, मतलब मेरे को जानने वाले ही है। और हमें पता नहीं था। सो आज जो है कैंटीन बंद है, अभी कैंटीन का काम तो नहीं हो पाएगा, अभी हम जा रहे हैं मार्केट में भाई के कपड़े देखने के लिए, अभी देखते हैं क्या पता वहाँ पे भी हो जाए, इसलिए मुझे नेगेटिव लोग, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव चीजें पसंद नहीं है। आइए, ये ऐसे लगता है जैसे किराए पर मूला रखा हो इसने, है ना? सोना है ना, कहते किराए पर मूला सोना है ना। और इसके पास भी अब 12 आ गया है, पर मेरा ज्यादा बेस्ट है, प्रो आ गया, प्रो आदमियों के लिए प्रो फोन। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे पार्किंग लगा दी है, अब जा रहे हैं हम मार्केट में। गाइज, ये है मेरठ की सदर मार्केट, आज काफी खाली, वैसे खाली नहीं मिलती, और ये बिल्कुल प्रशांत पे मिल रहा है। प्रशांत तेरा भाई, मम्मी यार आपका एक और बेटा शक्ल मिले है ना, इंसान है जो कर धरती पे भी आया हो, अंतरिक्ष से रस भरी को बेरे बेरे। तो पूछ क्यों रही थी मेरे पे? मुझे तो पता ना, मैं
बोली भी तो नहीं उसके बारे में कुछ, कम से कम मैंने कुछ बताया तो है किराए के मुंह वाले आदमी। तो शादी भाई की है, पसंद का सर हमारी है शादी बड़े वाले भाई की। छोटे वाला भाई सर मतलब शेरवानी ट्राई करा क्योंकि वो लेट आएगा थोड़ी। तो भाई साहब जी के शेरवानी लगा के दिखाई जा रही है, शादी इसकी नहीं है पर कुछ चॉइस में रख ली है। भैया की शॉप पे बड़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी सोनी सी सुंदर सी मछलियाँ। तो गाइस हम आए थे 3:30 बजे और अभी बज रहे हैं 8:30। अब तक हमारी सारी चीजें फाइनल हुई है, ड्रेस सिर्फ फाइनल हुई है और खाली आते लिया कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ खाया है और अभी जा रहे हैं घर।